और एक बहन का नाम है देवी बहन, अर्चिता बहन, इनका परिचय हो गया। हो गया नाम परमेश्वरी। अच्छा माता जी का नाम है प्रणिमा। प्रणिमा ये माता जी का नाम प्रणिमा। प्रणिमा भीम सिंह भाई की युगल। हाँ जी हाँ। मेरा पुष्पा। आप पुष्पा। पुष्पा परमेश्वरी आए थे कभी बाबा आए नहीं। राशि मिल गई पुष्पा परमेश्वरी ने। ये भाई की भट्टी हो चुकी है। नहीं बाबा इनकी नहीं हुई। टिकट निकली हुई है बस भट्टी जाने वाले हैं। आज 5-6 महीने से है बाबा रेगुलर रेस्टोरेंट। जून में जाने वाले हैं। हाँ बाबा टिकट निकल चुकी है। और आ जाएगा नहीं करते करते हैं बाबा भाई तो करते ही हैं डेली। और बुक नहीं मिला तो कम दिया ना अपना वाला एक एक परिवार के बाबा पूरे के पूरे सदस्य निकले हैं। जैसे नेहा माता जी है तो इनके जो पूरा परिवार है दो लड़के लड़की सब निकले। जैसे परमेश्वरी माता जी है उनके भी पूरे परिवार उनके भी हस्बैंड सुन चुके हैं। वो कल ही उनको जयपुर जाना पड़ा वो भी रेलवे में है ना बाबा तो किसी काम से जाते हैं फिर तो उनका भी पूरा परिवार सुन चुका है। सिर्फ लड़का बाकी है क्योंकि वो जयपुर में रहते हैं। भीम सिंह भाई के 2 कन्या और उन दोनों पति पत्नी सुन चुके हैं। मैं एक ही परिवार के एक पूरे के पूरे सदस्य निकले हुए हैं। क्या मंगलवार हुआ आज बुधवार जाने की क्या दरकार ये भी माता जी मंदिर या सब जगह परमेश्वरी कहीं नहीं परमेश्वरी तो एक वही मंदिर है। और क्या परमेश्वरी है तो फिर छोटे मोटे भी पीछे क्यों पड़े ईश्वरी हो वो बात है। भीम सिंह भाई ड्यूटी चले गए आ गए आ रहे हैं वो भी भगत बनेंगे पक्के भगत है वो तो पक्के भगत है। सुनने में तो इन्होंने कमी नहीं रखी मैं तो यही सोच रही थी मैंने मैं दिन की नौकरी में जाता हूँ रात को वो लोग ऑफ होते हैं अच्छा छूटते हैं अच्छा बता दो मुलाकात होती है अच्छा। और पूछ मैं सबका लेती हूँ मैंने कहा ये बताओ मेरी हमारी सेवा में बोले नहीं जब तक आप हो जब तक कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने तो मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया मेरे बाबा अपनी लीला बचाएंगे मैं तो और वाकई भी पूरी होगी मेरी वाकई जब तक भगवान को शांति जितने दिन का परीक्षा उसको देनी होती है इंसान मैं ये कह रही थी फर्क करवा दिया मैंने मेरे को तो जो दिल की लालसा थी वो दिल नहीं रह गई ऐसे उदास मन से आगे मैं जब कोई बात नहीं बाबा परीक्षा देंगे अभी बहुत ज्यादा परीक्षा देंगे। आपको मुर्गी पढ़ते पढ़ते सारा जिंदगी चला गया तो आपने सुना नहीं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हाँ एक बात तो है ये मुरली को कम से कम तो एक एक सीडी को 3-4 बार सुनने के बाद में फिर पूरा समझ में दबी आता है। एक बार में नहीं 4-5 बार उसको समझने में उसको एक्सप्लेन में होकर के फिर जाकर काफी वो नहीं मुरली का ज्ञान तो ज्ञान सुनने के बाद ही पता चली है ना वो मुरली क्या चीज है पहले क्या पता थी। हाँ पहली बात तो लोगों को मुरली का ही मालूम नहीं था मुरली का जो मालूम पड़ा तो उसके अंदर जो बताते हैं
तो उसमें तो ध्यान लगाओगे जो थोड़ा मेहनत नहीं उसमें भी एक ही चीज के 10-10 अर्थ निकलते हैं बाबा जो क्लियर उसको बाबा क्लियर करते हैं। अपन कुछ समझते हैं बाबा कुछ बताते हैं तो वो क्लियर सब होता है। कल एक इंसान को हमारी बुला के लाए थे खबरेला जी को। अच्छा हाँ तो वो बहुत देर इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये तो भैया गए थे ना बॉम्बे उनको छोड़ने चले गए तो हमने तो वो एक साल तक ब्रह्मा कुमारी में गए मेरे को कॉल कर दिया जब यहाँ नौकरी लगी थी तब उसके बाद तब उन्होंने बताया बोले अब वो क्या फिर उनके बच्चा हो गया बच्चा होने के बाद में वो कहने लगी बोले कि आप ये बच्चे को नहीं लाते। अरे भाई ग्रस्त जीवन है बच्चे को क्यों नहीं लाएंगी तो रोएगा भी हंसेगा तब से उन्होंने छोड़ दिया। तो कल इन्होंने कहीं ना तो आया था। अच्छा वो उधर बीके में गए होंगे मतलब शादी होके बाद में मतलब यहाँ अकेला रहता तो तब बता रहा था। बच्चे पढ़ाई पढ़ रही है पूछो क्या पढ़ रहे हैं स्कूल तो पढ़ाई पढ़ रही है हम क्या बोल रहे हैं नहीं फिर भी क्या पढ़ रहे हैं उसको बताओ बड़ी वाली को पूछो क्या कर रही है बीएड पहली साल दूसरी साल बीएड तो कर रहे हैं किस लिए करती नौकरी करने के लिए नौकरी करेंगे है? 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 नौकरी तो बना दिया है नौकरी करने को नहीं करनी बाबा के अंदर में तो कहते हैं नौकरी करनी नहीं चाहिए कन्याओं को नौकरी भाइयों को तो करनी है लेकिन बच्चों को पढ़ाने पूरी जगह मतलब बच्चों को पढ़ाना बच्चों को तो पढ़ाना बच्चों को तो पढ़ाना है लेकिन जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई और भगवान आगे जो पढ़ाई पढ़ाएगा उसमें अंतर होगा ना दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उससे दुनिया की हालत हो गई भगवान जो पढ़ाई पढ़ाया पढ़ाता है आकर जो उससे दुनिया स्वर्ग बनती है नरक को स्वर्ग बनाने वाला तो भगवान की पढ़ाई है मनुष्य की पढ़ाई तो दुनिया में नरक बनाया है स्वर्ग बनाया है और नरक बनती तो आत्मा तो चौराहे में लेती है चौराहे के चक्कर में चलती है कहाँ जा रहे हैं चले गए मतलब 84 लाख योनियों में चले गए अब पता ना कहाँ गए कहाँ से बता रहे 84 लाख योनियों में भी चले गए तो नहीं बाबा पहले की बात बता रहे थे पहले की बात बता रहे ज्ञान नहीं मिले थे तो पहले ऐसे ही सोचते थे पहले के 84 लाख योनियों में चले गए ऐसे सोचते थे ना वो पहले वो बता रहे अभी ज्ञान मिले की 84 क्या पक्का हुआ अब ये मिला है ज्ञान में क्या मानव का जन्म मानव का ही होता है मानव का ही होता है। हाँ, और पहले क्या होता था कि अब पता नहीं जन्म में कोई कहता कीड़ा मकोड़े कुत्ते भी वो लाख लाख हट गया ना बस ऐसे करके जो है हाँ लोग बोलते तो भाई होगा ऐसा लेकिन जब ज्ञान मिला तो बोला कि भाई अब आम का पेड़ है तो आम का बीज ही हो गएगा भाई तो मानस का है अब थोड़ा मन में ये विश्वास है हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो सकता है कंफर्म है ना ये हो सकता है का मतलब हो भी सकता है अब पूरा तो होता तो भगवान ही जाने पूरा तो पता अपने को दिखता ही तो नहीं है क्या है क्या नहीं है दिखता नहीं ना मेरे में वैसे भगवान ने तीसरी आंख दी नहीं दिखता ही नहीं सेवा करे इनकी तो मैं बहुत सेवा करे ये तीसरी अपनी तीसरी आंख दूसरों को नहीं देती है अभी तक भाई इन्होंने तो बहुत मेरा फर्ज है तीसरी आंख नहीं दी अभी आपको पक्का नहीं करा है कि आप आत्मा है नहीं अभी हिंदू बनने थोड़े से ये तो विचार इनकी सेवा में कमी नहीं है मेरे हम ही अंधेरे में बैठे हुए आप अंधेरे बैठे रहते अभी आप पक्का करिए हमारा ये घर नहीं है हमारा घर परम धाम में बस कहाँ जाना है परम धाम में जाना है ऐसे सारी दुनिया के लिए एटम बम बन चुके
त्रास ही होने वाला है, तो यहाँ तो कोई नहीं रहेगा। हाँ ये है कि आप थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक माउंट आबू में बने रहेंगे, क्योंकि अभी माउंट आबू में नजदीक है। विनाश के टाइम पर माउंट आबू तो रहेगा ही रहेगा, तो दुनिया भले खलास हो जाए। वैसे पापा हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ है? हाँ। क्या अली तो मुसलमानों का गढ़ है। तो मुसलमान अली है, लेकिन उसके पास गांव है। अली और अल्लाह। भाई हम पासू तुम्हारे पासू, हाँ, हमारे उसका पासू में हमारे कपड़े की दुकान है और उसके पास गाँव के पास नहीं तेरे पास। बोलते समय भी ऐसे ऐसे बोलना चाहिए जो बात पक्की हो जाए। हमारे कपड़े की दुकान नहीं, हमारे लौकिक दुकान है, लौकिक धंधे। इसलिए ध्यान रहेगा कि हाँ हम आत्मा है, हमारी दुकान कोई वो नहीं है परमानेंट। ठीक है, आ जाओ बैठने के लिए। मिल गई यहाँ टोपी लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं है? नहीं है? ये टोपी बुक रहने की है। टोपी के लिए कोई ताज बनाना है? हैं? टोपी के दर जगह पे ताज बनाना है? ताज? नारायण राजा बादशाह टोपी होगी तो गुप्त हो जाएंगे, ताज होगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे ये आदमी है बराबर उधर सुन लीजिए माउंट आबू की तरफ। और आप पहले से ही माउंट आबू नजदीक रहे पड़े हैं, गंगा जी के किनारे बाहर वाले जाते हैं, बाहर वाले ना जाते हैं और पास वाले रह जाते हैं, किनारे वाले नहीं जाते खुद रह जाते हैं। अच्छा ऐसा पक्का किया है? नहीं नहीं ऐसा पक्का नहीं कह रहा हूँ, कहावत बता रहा हूँ, कहावत ऐसे ही होता है। कहावत आप अपने लिए क्यों लागू कर रहे हैं? नहीं वो माउंट आबू की बात आई है ना कि इधर नीचे बैठे हुए और आपको कुछ मालूम नहीं है चीज का, आपको मालूम है तब तो आप तो पहले से बेसिक ज्ञान में भी है और एडवांस ज्ञान में भी आगे मालूम है तभी तो आगे। बाबा सब डायरेक्ट है, डायरेक्ट आए हैं? नहीं कश्यप भाई कहाँ डायरेक्ट आए, कश्यप भाई का परिवार डायरेक्ट कहाँ आया? नहीं मैं तो मैंने आज तक किसी का नहीं, मैं तो कहती थी मैं बनाऊं गुरु तो ऐसा बनाऊं, मेरी दिल की भावना बता, मैंने आज तक बनाए नहीं सही आत्मा आज तक किसी को बनाए नहीं, मैंने किसी को नहीं, आपको छोड़ के और किसी को नहीं। ये देखो सुधारते जा रहे हैं। नहीं नहीं मैं वही बोल रही हूँ, मैं क्यों सुधार, ये मेरे दिल की भावना है। हाँ मैंने ज्ञान सबका सुना, मेरे को लालसा तो आपको गुरु बहुत बढ़िया मिला है, ये तो ऊपर वाले की ये बात नहीं होगा। आप पूरे बोला आधा बोलते आधा नहीं बोलते, भगवान को बनाओ ना ये सब गुरु तो सारे ये सब सारे।
हम बाबा से प्रश्न पूछेंगे, यहाँ आके तो सब चुप बैठ गए, अभी क्या प्रश्न पूछेंगे। यहाँ माउंट आबू के नजदीक तो है ही, माउंट आबू बिहार का परम धाम होने वाला है। बाबा के पास आके बैठ गए तो समझ लो बाबा से बात करेंगे, बाबा से प्रश्न पूछेंगे, मगर यहाँ आके बस चुप बैठ गई। परम धाम में आत्मा चुप गई तो बैठती है, हम क्या करेंगे, और क्या करेंगे। आप नीचे उतारो नहीं, अच्छी बात है, परम धाम में सब पहुँचे है, परम धाम में पहुँचना अच्छी बात, काम थोड़ा चलेगा, बुद्धू बुद्धू रह जाएंगे। परम धाम में और स्वर्ग में तो बुद्धू होते हैं, कुछ जानते हैं क्या, वो तो कुछ नहीं जानते हैं। माता चाहती है हम ही बुद्धिमान बन के रहे और सब ये सब बुद्धू बन के रहे, तो उतारो नीचे जल्दी उतारो। भावना नहीं है, ये तो सोचती है बुद्धि सारे बने ऐसे। अच्छा, आत्माओं का तो मैं जानती हूँ कितनी, बहुत कोशिश कर रहा है इनकी तो सेवा में, बहुत अच्छी है, माता बहुत मेहनत करती है, इसकी तो मैं इनकी बड़ाई आज भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं, जैसे माँ बेटी से पूछती है ना रोज का, टाइम पंक्चुअलिटी बढ़िया है, पंक्चुअलिटी बढ़िया है ना, ऐसे कहो मेहनत कम किया करे, मोहब्बत ज्यादा किया करे। नहीं एक्चुअल के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर 6:30 बजे आए, आधा घंटे मेरे को मियाँ पूरे जाने का, दादा जल्दी करो, दादा जल्दी करो, मतलब टाइम फैक्टर नहीं था, कुछ टाइम फैक्टर सही है, सही है, आपकी बड़ाई नहीं, जो जैसा है सत्य है, उनको टाइम दे दिया कि 2 बजे आपको आना है, भले उनका खाना बना हो या नहीं बना, पर वो हमारे पास 2 बजे टाइम के पंक्चुअल है। अब जैसे यहाँ से आप कैसेट लगा हुआ है, कैसेट लगा हुआ तो आधी कैसेट चली, बोले आप सुनो फिर को उधर जाने का। अच्छा, वो कैसेट भी चालू रहेगा और इनका मतलब ये भैया भी मेहनत, देखो ये है ना बहुत मेहनती है। अच्छा, इस बात की तो मैं आज भी बड़ाई करती हूँ, मकान भाई बड़ाई की बात नहीं है, अपने घर के सदस्य है, तो ऐसा थोड़ी लगता है कि ये हमारे घर में कोई दूसरे आए हुए हैं, हम तो जैसे बैठे भैया आ जाओ। हाँ बस कभी ऐसा नहीं सोचा, मान के लिए बोलते हैं नोकअप भी मत करो, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाओ, अपने घर में क्या नोकअप करने का। बाबा एक लड़की है जो मतलब बचपन से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में है, तो वो मुझे कहती है कि हमने बात करा था, तो वो मुझे कहती है कि सतयुग के अंदर 16,800 कोई समथिंग वो है आत्मा है, तो मैंने कहा नहीं 9 लाख है आत्मा, तो बोलती है नहीं, बोले मैं ज्ञान में हूँ तू ज्ञान में, मैंने कहा मैं भी ज्ञान में हूँ तू भी ज्ञान में, बोले नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में हूँ, मैंने कहा मैं एडवांस ज्ञान में हूँ, तो बोलती है कि नहीं मैं मेरा पास भी एडवांस ज्ञान है, तो मैंने कहा नहीं 9 लाख है, बोले कि नहीं, अच्छा तो 9,16,000 ऐसे कुछ है, मैंने कहा 108 यही है। फिर दोनों में फैसला क्या हुआ, मैंने कहा मैं पूछ के आऊंगी, मैं आपसे पूछ जाती हूँ क्या है, फैसला कुछ नहीं हुआ ना, दोनों लड़ने लग गए, क्या हुआ। आबादी है पहले जन्म की, सतयुग के पहले जन्म की आबादी है 9 लाख, और जो 16,000 होते हैं वो 16,000 प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं हैं, जो त्रेता के अंत तक उनकी संख्या पूरी होती है। पहले जन्म से राजा रानियों के परिवार में जन्म लेते हैं, उनको कहा जाता है प्रिंसेस, और उनकी संख्या होती है 16,108 ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी पूर्ति होती है त्रेता के अंतिम जन्म में जाकर के 16,108 वहाँ नंबर पूरा हो जाता है। सतयुग की आबादी होती है 2 करोड़ और त्रेता की अंत की आबादी होती है 10 करोड़। क्या अच्छा वो कहती है, वो भी उल्टम पट्टम बोल रही, तुम भी उल्टम पट्टम बोल रही। वो कहती है मतलब जो जैसे मर जाते हैं ना, तो आत्मा एक बार परंधम जाती है फिर वापिस मर जाते हैं सोई। हाँ वो कहते हैं कि तो रास्ता भगवान को रास्ता बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने कहा नहीं परम धाम का रहती है वो, उसी वक्त भगवान पहले से करके रखता है कि उसको कहाँ जन्म लेना है, तो वह एंटमेंट वही हो जाता है, तो लेकिन नहीं वो परम धाम जाती है, परम धाम से वापस आती है। परम धाम कोई वापस नहीं जाता है, अगर परम धाम जाने का रास्ता मिल जाए फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सारा काम हो गया। परम धाम वापस ले जाने लायक बनाने के लिए ही भगवान को आके इस सृष्टि में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। परम धाम ले जाना माना आत्मा बना के ले जाना, बिना आत्मा बने तो कोई जाएगा नहीं, देवहान वाला तो जाएगा नहीं, तो बीच में कोई आत्मा परम धाम नहीं जाती। अगर परम धाम जाती है आत्मा तो इस दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही,
आबादी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? अगर परम नाम चले जा रहे हैं वापस तो आबादी कम हो जानी चाहिए, लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है। मनुष्यों की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी आबादी लगातार बढ़ रही है। तो बाबा आपने तो कहा कि आत्मा जो होती है मनुष्य की, वो मनुष्य में जन्म लेती है, तो जितनी आत्मा है वही उतने मनुष्य बनेंगे, तो आबादी कैसे बढ़ रही है फिर? जैसे गेहूं का बीज होता है, तो गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं का ही बीज जन्म लेगा ना। तो ये आप कहें कि ये बाजरे का बीज कहाँ से बढ़ रहा है? अरे गेहूं का बीज गेहूं का रहेगा, बाजरे का बीज बाजरे है। जितने मनुष्य बढ़ रहे हैं ऊपर से आ रही है आत्माएं, नहीं वो परम धाम से आ, परम धाम से वापस आता है आ रही है, और जो आ रही है वो जाने का रास्ता भूल जाती है। तो वो परम धाम चली गई तो फिर क्यों आ रही? कोई नहीं परम धाम जाती, जो आ गई, जो आ गई वो इसी सृष्टि में जन्म होने के चक्कर में आती रहती है, वापस कोई नहीं जाता। तो उनको मतलब भेजा क्यों ऊपर से परम धाम में? तो नाटक है दुनिया का, कोई कहे नाटक में नाटक करने के लिए क्यों भेजा गया? अरे नाटक तो नाटक है, भेजा क्या, वो तो अपने आप उतरते हैं टाइम पर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा भीम सिंह, भीम सिंह भाई, भीम सिंह भाई। अच्छा, इनका पूरा परिवार, और ये ताराचंद भाई है, ताराचंद ये परिवार और बहन ठीक है। ये लुनियापुरा का भाई है जो भीम सिंह भाई जिनका घर है, सीता पाठशाला है, माता चला रही है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, जून में प्लानिंग है ना बाबा, हाँ तो मालूम पड़ गया है। तब तक ये कैसे कहा जाए कि आप बच्चे बन गए शिव बाबा जी? आत्मा अगर पुराना शरीर न छोड़े तो नए बाप का बच्चा कैसे कही जाएगी? है नहीं कही जाएगी ना। जैसे वहाँ इस दुनिया में आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है फिर नए बाप के घर में जाके जन्म लेती है, लेती है ना, तब कहा जाता है कि जन्म लिया। 9 महीने पकना पड़ता है गर्भ जेल में, और गुप्त में पलता है या प्रत्यक्ष पलता है गर्भ में? गुप्त में पलता है। तो ऐसे यहाँ भी जब तक आप विश्वास निश्चय श्रद्धा, जो दुनिया भी श्रद्धा लेकर के अभी तक चल रहे थे, उस दुनिया भी श्रद्धा विश्वास से मुंह मोड़ करके आपने जो बुद्धि में नई बात धारण की है, नया ज्ञान धारण किया, उस ज्ञान धारण करने के अनुसार आप जाकर के भगवान जहाँ भी पार्ट बजाए रहा हो उस घर में जाकर के आप दस्तक न मारे, जब तक वहाँ भट्टी न करे, जन्म न ले, 7-8 दिन की 9 दिन की जो भट्टी है वो पूरी नहीं करे, तब तक आप बच्चे कैसे कही जाएंगे? अब आप यहाँ आगे बैठ गए हैं तो इन आँखों से तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा नहीं है, इन आँखों से दिखाई नहीं जाता। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया जाता है, तो वो तीसरा नेत्र धारण करने के लिए फिर वहाँ, अगर गर्भ में ही तो आंखें तैयार होती हैं कि गर्भ में जाने से पहले आंखें तैयार हो जाती हैं, गर्भ में तैयार होती है, ये भी तीसरी आंख है ज्ञान की, तीसरी आंख। त्रेत्री बाप के बच्चे बनना है आपको कि दो आंखों वाले का बच्चा बनना है? वो तो 84 जन्म बनते रहे, 84 जन्म दो आंखों वाला बाप मिलता रहा, अभी हम किसके बच्चे बनने हैं? तीन आंखों वाला कौन है? है परम पिता परमात्मा है, उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, वो तीन आंखों वाला है। तीन आंखों वाले के बच्चे बनेंगे तो तीसरी आंख तो धारण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्ची करने का फैसला कर लिया, टिकट निकल चुके हैं, टिकट रिजर्वेशन हो चुका है? हाँ बाबा। हाँ हाँ। अच्छा, कितने लोगों का? 6 लोगों का। 6 लोगों का टिकट रिजर्व हो चुका है। हाँ। कौन सी तारीख को जाना है? 1 तारीख को।
यहाँ से 1 तारीख को रात को निकलेंगे, रात को निकलेंगे। हाँ, 2 तारीख को दिल्ली से कालिंद्री से फरकाबाद जाना, 2 तारीख को फरकाबाद जाएंगे। हाँ, और 3 से भट्टी शुरू हो जाएगी, 3 से भट्टी शुरू करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को दिल्ली वापस आएंगे। हाँ, 9 तारीख को, 9 को बैठेंगे, 10 को आएंगे, 10 को इधर आ जाएंगे, 10 को सुबह दिल्ली पहुँचेंगे, 10 को दिल्ली पहुँचेंगे। 24 घंटे यहाँ आने में लगते हैं? नहीं, 24 घंटे 13-14 घंटे यहाँ आने में 14 घंटे। हाँ, चलो आप भी कम से कम परमधाम से नीचे तो उतरे, बहुत देर तो खड़े हुए। हाँ जी, जैसा कि आप जोर से बोलिए, हमारे टेलीफोन मोबाइल सुनते सुनते कान हो गए बह रहे। मुझे भी कान बह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि बर्थ और रीबर्थ से पुनर्जन्म। दादी प्रकाश मणि के बारे में मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान दीजिए कि वो जैसा आपको कहा गया है कि उनका रीबर्थ हो गया है। ठीक है, आपने ये तो दादी के बारे में तो पूछा, प्रकाश मणि के। हाँ, लेकिन इससे पहले मम्मा बाबा के बारे में क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि उनका भी रिवर्स है, लेकिन वो तो फिर वही की बहुत बात, वेद की बात हुई ना। जी, वेद की बात, जैसे मम्मा बाबा के बारे में बोला गया कि उन्होंने नेपाल में जन्म ले लिया है, खटाखट उन्होंने नेपाल में सेंटर खोल दिया है खूब पैसा खर्च करके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं जैसा स्थूल रूप में समझा था। वेद का बाप वेद के बच्चों से वेद की बातें करते हैं, तो उन्होंने तो समझ लिया स्थूल नेपाल जो पहाड़ों पर बसा हुआ है। शंकर जी के लिए कहते हैं ना, कैलाश पर्वत में पहाड़ों पर रहते हैं, तो क्या भगवान पहाड़ पर बैठा रहता है? हैं, पहाड़ पर बैठ के दुनिया का कल्याण करेगा क्या? पहाड़ों पर दुनिया थोड़ी रहती, वहां तो बर्फ ही बर्फ होती है। पहाड़ का मतलब है ऊंची स्टेज, तो नेपाल का मतलब है ऐसा ग्रुप ब्राह्मणों का संगठन, ऐसा संगठन जो ऊंची स्टेज में रहकर के पुरुषार्थ करता है। क्या नेपाल माने? नई आत्माओं की पालना करने वालों का ग्रुप, जो नई दुनिया तैयार होनी है ना, उस नई दुनिया के तैयार होने में जो आत्माएं इस समय विशेष पुरुषार्थी है, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाली एडवांस पार्टी की ऊंचे स्तर की आत्माएं, वहां जाकर के ब्रह्मा बाबा और मम्मा की आत्माएं कोई में प्रवेश करके अनुद्रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बना रहे हैं। ऐसे ही अब आप समझ लीजिए, ऐसे ये कहा गया है कि जिसकी स्थूल बुद्धि होगी वो तो स्थूल बातें ही समझेगा, और जिसकी बेहद की बुद्धि होगी वो बेहद की बातें पकड़ेगा। जैसे आशाराम डॉक्टर ने ये कहा है कि उनको भी कुछ ऐसा आभास हुआ क्या कि किसी महात्मा किसी विद्वान तो गरीब उसके यहाँ वो जन्म हो गया है। कुमारका दादी का जन्म किसी विद्वान के यहाँ किसी गरीब के यहाँ? गरीब के महात्मा है वो ये भी बताया कि वो तो अच्छा रुको, विश्व किशोर भाव के बारे में बताया कुछ बाबा ने? इसके बारे में अरे अव्यक्त वाणी में बताया कितनी बार, विश्व किशोर भाव और मम्मा दोनों मिलकर के नई दुनिया की स्थापना के बारे में कार्य कर रहे हैं, ये तो 1978 की वाणी। तो जैसे विश्व किशोर भाव है जहाँ कहीं भी प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, वही कुमार का दादी जाकर के अपना पाठ बजाएंगे। गर्भ का जन्म नहीं ले सकते वो, कैसे विश्वास हो कि जन्म? इसलिए विश्वास हो कि आप एडवांस ज्ञान ले चुके हैं है? जो एडवांस ज्ञान लेते हैं उनको ये समझाया जाता है, उनकी बुद्धि में ये बैठता है कि जो एडवांस ज्ञान लेते हैं वो ही नई दुनिया के बच्चों को पैदा करेंगे। क्या मान लो वृद्ध शरीर है, शरीर छूटने वाला है, लेकिन एडवांस ज्ञान ले लिया तो भी शरीर छोड़ेगा तो बच्चा बन के जन्म लेगा और फिर नौजवान होकर के बच्चों को जन्म देगा। तो
कुमार का दादी जो है वो एडवांस में नहीं आई, वो जन्म नहीं ले सकती, वो तो बेसिक ज्ञान में ही पक्की रही और दूसरों को पक्का कराती रही। जान बूझ करके भी उन्होंने एडवांस ज्ञान से आंखें बंद करके रखी। चाहती तो एडवांस ज्ञान में बहुत अच्छी तीखी जा सकती थी, लेकिन लोकलाज ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए वो तो अब लोकलाज से परे हो गई। लोकलाज का बंधन तो तभी तक जब तक शरीर का बंधन है, उनका शरीर का बंधन छूट गया, अब उनको लोकलाज कहेगी। जहां चाहेंगे वहां भ्रमण करेंगे, वहां जहां चाहेंगे वहां काम करेंगे। तो उनका जो अपना ग्रुप है एडवांस पार्टी में, वहां जाके उनको अपना काम मिल गया, धंधा मिल गया, अपना काम कर रही है। छूटते ही तो बताया कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। माया पांच विकारों का संघात का रूप है और प्रकृति पांच तत्वों का संघात का रूप है। पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच सिर और पांच प्रकृति के रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये दसों मिलकर के इस दुनिया का रूप बनते हैं बड़ा, जिसे कहते हैं रावण का रूप। ये रावण का रूप जो है वो सारी दुनिया को आच्छादित करके रखता है द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक। बाबा ये है जैसे कि ये पांच विकार हैं, तो देश संसार के अंदर, इस संसार के अंदर पांच विकार प्रत्येक आदमी से तो छूटता नहीं। पांच विकार कैसे छूटे? पांच विकार संग का रंग अच्छा करेंगे तो छूटेंगे। इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए बुद्धि को उपराम रखने वाली आत्माएं भी तो तैयार होती हैं, रहती हैं इस दुनिया में, और बुद्धि इस दुनिया में लिप्त नहीं रखती। जैसे कमल फूल का मिसाल दिया है, कमल फूल कीचड़ में डुबो दो और डुबोने के बाद ऊपर निकालो तो उसमें कीचड़ रहता है। तो ऐसी कोई आत्माएं भी तो ऐसी स्पेशल पुरुषार्थ करने वाली हो सकती है जो रहती है इस दुनिया में कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से। ये भी तो कहा है कि कोई भी सर्व संपन्न तो बना ही नहीं, मालूम पड़ जाएगा आपको संपन्न कौन बना है कौन नहीं बना है, ये आपको पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा। कैसे 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 और कब पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? जो संपन्न बनेगा उसको किसी के भटकने की दरकार नहीं रहेगी, माने किसी का आधार लेने की दरकार नहीं रहेगी कि हमको हमको ये गुरु बनाया जाए। संपन्न होने की यही निशानी है कि वो दुनिया में किसी को अपना गुरु बनाने के बना के नहीं रखेगा, वो तो संपन्न स्टेज पर पहुंच गया। भगवान भी अगर उसे कोई कार्य कराना होगा तो भगवान स्वयं शक्ति भगवान की उसके उसके पास पहुंच नहीं पहुंचेगी, किसी देहधारी के सामने जाके उसको झुकने की दरकार नहीं है। बाबा मेरे संकल्प तो पूरे हो जाते हैं है? जैसा मैं सोचता हूँ जब से आप लोगों के संपर्क में आया हूँ, परिवर्तन तो मैंने अपने आप में बहुत पाया है। मैं जो संकल्प करता हूँ मेरे संकल्प पूरे हो। तो कुमार के दादी के बारे में क्या संकल्प किया आपने? अभी उनके बारे में तो मेरे को कुछ संकल्प पूछा ना, अभी पूछा ना कि हमने ये सुना है कि कुमार का दादी ने जन्म ले लिया, गरीब के यहाँ लिया, किसी विद्वान के यहाँ लिया, संशय बुद्धि बना। तो अभी संशय खत्म नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा के बारे में संशय खत्म हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने कोई नवपाल में जन्म नहीं लिया। मम्मा के बारे में तीन बातें बोली गई संदेश में, मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही, फिर मम्मा के बारे में बोला नेपाल में जन्म ले लिया, फिर मम्मा के बारे में बोला मम्मा लंदन में सेवा कर रही। अब कहाँ
लंदन में है कि दिल्ली में है कि नेपाल में है, आखिर कहाँ है? वास्तव में एडवांस पार्टी में जो जो एडवांस पार्ट बजाने वाला बेहद का बाप है वही जगत पिता है। उस जगत पिता के साथ जो सहयोगिनी शक्ति है वही जगदम्बा है। वो जगदम्बा के शरीर में ही मम्मा कार्य करती है, वही जगदम्बा दिल्ली में अपना सेवा का फाउंडेशन जमा रही है, वही जगदम्बा ज्ञान का लेन देन करने वाला जो लंदन है उसमें सर्वोपरि अपना पार्ट बजा रही है, सेवा कर रही है। बेहद का अर्थ उसको हद में लाने से सारा चौपट कर देते हैं। तो संशय क्यों रहना चाहिए? कुमार का दादी के बारे में तो बिल्कुल ही संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुमार का दादी को जितनी ब्रह्मा बाबा के ऊपर आस्था थी और बेसिक ज्ञान के ऊपर आस्था थी इतनी तो और किसी के ऊपर है ही नहीं। इतनी आस्था थी कि उनके सामने जो लोग चले जाते थे वो एडवांस की तरफ मुंह नहीं फिरा के देखते, इतनी आकर्षण शक्ति। शर्त यह है कि वो एक बार बेसिक ज्ञान बेसिक कोर्स ले, वो एडवांस कोर्स ले न चुके हों। अगर एडवांस कोर्स ले लिया तो बुद्धि में बात बैठ जाती है। वो है ना जैसे महाभारत राम बताते हैं ना कि इसको श्राप दे दिया तो वो पेड़ ऑफ पत्थर बन गया, तो वो मनुष्य की आत्मा ही तो बनती है, पत्थर बुद्धि बन गया। मतलब वो पेड़ बन गया तो श्राप दे तो पेड़ बन गया, नहीं बुद्धि बन गया। पर कहते तो ऐसा नहीं कि तू पेड़ बन जा, भक्ति मार्ग में कहते हैं, भक्ति मार्ग में समझते हैं। जैसे कि वो ऐसा है नहीं, कृष्ण जी की ओखली से वो ओखली से नहीं बांधा गया, कोई कोई कन्या है स्त्री की देह एक तरह का गड्ढा है, उस गड्ढे में बांध दिया उसकी माँ ने गुस्से में आकर, ले तो यही बंधे रहो। और जैसे अहिल्या थी तो शराब से पत्थर बन गई, पत्थर नहीं बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। अहिल्या कोई दूसरी नहीं है, ज्ञान में चलते चलते जो समझ ले कि ये सर्प है ये भिखारी है फिर भी उसको पकड़ करके, क्योंकि लगाव लग चुका है उसके साथ, उसको पकड़ के भगवान के सामने ले जाके डाल दे इसका भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे जो है वो अहिल्या बन जाते हैं। अहि माने सर्प, ला माने ले आ, अहि ले आ जो सांप को ले आई और भगवान के सामने डाल दिया। अरे जानती है ये सर्प है तो इसका कल्याण क्यों करना, पहले और मनुष्यात्मा को कल्याण करो, देवात्मा को कल्याण करो, सर्पों का कल्याण पहले करना। लेकिन अब भगवान के जो गधे सर्प पड़ गए भगवान को तो उन्हें सब ठीक करना ही करना है, क्योंकि गले पड़ गए भगवान की, गले जो चीज पड़ जाए तो उसका कल्याण ना हो ये तो खराब बात हो जाएगी। बाबा विष्णु जी है ना उनको सर्प, उनसे गुरु जी से कहो खुद ही विष्णु पूछ ले। नहीं नहीं ये इनसे पूछते हैं, ये इनसे क्यों कर रहे हैं बाबा, ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बोले कि बाबा से डायरेक्ट पूछो। हाँ तो ये दीदी से पूछते हैं ना ऐसे ऐसे, वो विष्णु जी को मतलब सांपों पे लेटे हुए बताते हैं ना, वो सांप जो होते हैं वो फन वाले सांप शेषनाग की सैया विष्णु जी के बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो उसका जैसे कहते हैं पहले ये भगवान तो जो है शेषनाग, हाँ, पूछ रहे कि इनका क्या अर्थ है। हाँ, तो ऐसे मतलब अर्थ ये है कि भिखारियों के बीच में रह करके भिखारियों के ऊपर आराम से सो जाओ और उनका अपने ऊपर कोई असर नहीं ना पड़े, उसको कहते हैं सांप की सैया। शंकर अपने गले में ही सांप लपेट रहा है, चलो तरफ चारों तरफ लपेट रहा, जैसे चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, भुजंग माने सांप, जैसे चंदन के वृक्ष में चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं फिर भी खुशबू छोड़ता है वो विष तो नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही
जो शंकर जी का स्वरूप है वो ऐसा है कि चारों तरफ से भले विषयी विकारी कामी क्रोधी लोभी मोही आत्माएं उनके संग के रंग में आती रहे, उनसे चिपकती रहे, चिपक चिपक करती रहे, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शंकर को नीलकंठ भी कहते हैं। समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने विष पिया था, इसलिए तो उन्होंने विष मतलब उन्होंने क्यों पिया और किसी ने क्यों नहीं पिया? समय ताकत है, होनी चाहिए ना, जब विष पीने की समय ताकत है, वो भी ताकत है कि विष पी ले, विष पीता रहे और जिंदा बना रहे। देवता वो ये महादेव, उन्होंने पिया क्यों? पिया क्यों? अरे वो न पीते तो सबको खलास कर देता वो। अगर वो न पीते तो सारी दुनिया को खलास कर देता, तो सबको बचाने के लिए। अच्छा, उन्होंने ताकत है तो उन्होंने गले में क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं? गले में, गले, गले में इसलिए रखा कि नीचे विष्णु जी महाराज का वास है। क्या ऐसा न हो कि विष्णु जी को ठेस पहुंच जाए? विष्णु तो कोमल देवता है। पता नहीं तुम्हें बहुत बातों का नहीं है, तब तो तुम वो डागरी पढ़ाई पढ़ाने के पीछे पड़ रही हो। यही चलता भगवान जी कहते हैं कि मतलब मैं अंत में आता हूँ, मतलब कि विनाश के अंत में आता हूँ। जो विनाश, विनाश के अंत में थोड़ा ही आता हूँ, विनाश होने से थोड़ा टाइम पहले, 100 साल पहले, मतलब कि मतलब आता हूँ, आता हूँ। तो मतलब कि बोला कोई बात नहीं, मतलब मतलब करके बोल दो। जो हमको पता है कि विनाश होने वाला है, तब उसमें मतलब दखल अंदाजी क्यों करते हैं विनाश में? मतलब कि ये सब कि आप ये करो, आप मतलब पूजा पाठ करो तो आप मत बच जाओगे, आप ये ज्ञान ले लो तो आप बच जाओगे, मतलब कि अगर पता है हमें विनाश होने वाला, तो बुरी आत्माओं को बुरी आत्मा नहीं होएंगी, तो भगवान को उनको मतलब संहार करने के लिए भगवान को तो आना ही है ना, तो उनको हम ये क्यों कहते हैं बुरी आत्माओं को कि तुम ये ज्ञान ले लो? तो भगवान को पहचाने कैसे? भगवान आया हुआ है, विनाश होने वाला है, बुरी आत्माओं को भी ये पता रहता है कि भगवान आने वाला है। अच्छी आत्माओं को पता रहता है? हाँ, बुरी आत्माओं को जानते पता है कि अरे हम बुरा कर रहे हैं तो भगवान आएगा ही नहीं। नहीं, बुरी आत्माओं को पता ही नहीं, बुरी आत्माओं को पता ही नहीं होता कि भगवान आने वाला है। वो तो अहंकार करते हैं उनके, उनको तो इतना अहंकार चढ़ा रहता है। हिरण्यकश्यप बुरी आत्मा था, रावण बुरी आत्मा था, रावण का तो पता था, लेकिन फिर राम भगवान है, फिर उसने कोई माना? उन्होंने नहीं माना, तो फिर भगवान ने मानते ही नहीं अपने अहंकार में। जो बुरी आत्मा होती है इतनी अहंकार में होती है कि वो भगवान को नहीं मानती। भगवान आता है या कोई चीज होता है उसको, जैसे कोई अतिथि आए, भले अमीर है या गरीब है, कैसा भी है, तुम निरादर करोगे तो अहंकार में ही तो उसका अहंकार में निरादर करते हैं। हाँ, तो भगवान मिले ही ना, चाहे पाप का रास्ता अपनाया है, पाप का रास्ता अपनाया। रावण ही बराबर तो ज्ञान जितनी जब समझ जाओगे ना, सतगति पाने के लिए उसने ही, उसने मतलब सतगति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए रास्ते से पाया। एक काम करो, तुमने फैसला किया कि नहीं भर्ती करने का? किया तो है लेकिन अभी तक कहीं नहीं, मैंने कभी ज्ञान भी नहीं सुना। ज्ञान सुना भी नहीं? जब सुना भी नहीं तो यहाँ क्लास में बैठने का तुमको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं। चुपचाप बैठो, हमारा भी टाइम वेस्ट करो। पहले ज्ञान सुन लो, सुनने के बाद फिर बोलना शुरू कर लो। थोड़ा ज्ञान, ये ज्ञान तो खैर है ही ज्ञान है। कहते हैं गंगा जी बनाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, ऐसे तो हर कोई पापी आके गंगा जी बना लेगा तो हर कोई पाप धुल जाएंगे। कौन सी गंगा है? गंगा जी क्या, जो गंगा बहती है पानी की गंगा से शरीर साफ होगा। ये कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं ना, वो तो दुनिया कहती है, लेकिन पानी की गंगा है या ज्ञान की गंगा है? ज्ञान की गंगा। तो ज्ञान की गंगा तो कन्या है, शंकर जी के चित्र जहाँ दिखाया जाता है तो उनकी जूड़ा में कन्या का चित्र दिखाया जाता है। अगर पानी की गंगा होती तो पानी ही दिखाया जाता, कन्या का चित्र क्यों दिखाया जाता है? कन्या के मुख में से पानी निकल रहा है। हाँ, कन्या के मुख में से अमृत निकलता है, ज्ञान का अमृत। वो ज्ञान का अमृत जिन कन्याओं के मुख से निकलता है वही ज्ञान गंगाएं होती है। उनमें हाँ ये क्या, जैसे हमारे घर में शास्त्र का प्रोग्राम तो चलता ही था, ऐसा हुआ
अब थोड़ा जब बच्चों में अभी पे छोटे बच्चों में इतना दिमाग तो आए कहाँ से, लेकिन वो क्या घर में चलता रहता है पहले से वो तो उसको फर्क पड़ता है बहुत। और जो इनकी किस्मत में लिख दिया भोलेनाथ ने, किस्मत लिख दिया जो कुछ भगवान लिखता है सबकी किस्मत। अब भगवान बहुत खराब है, किसी की किस्मत खराब कर देता है, किसी की अच्छी बना देता है। ऐसा भगवान बनने से क्या फायदा, भगवान तो अच्छा आदमी होना चाहिए ना, हैं? ऐसे क्यों करता है, अलग अलग ही बनाते हैं, अलग अलग किस्मत क्यों बनाता है, किसी की अच्छी बनाता है, भगवान किसी की किस्मत न बनाता है न किसी की बिगाड़ता है, वो तो आके अच्छा रास्ता बताता है कि अच्छे रास्ते पर चलो, गीता का ज्ञान सुनाता है, और गीता ज्ञान को जो सुनते हैं जीवन में धारण करते हैं उनकी किस्मत अच्छी बनती है, और एक जन्म की अच्छी नहीं बनती, जन्म जन्मांतर की अच्छी बनती, इतनी अच्छी बनती है कि जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, राजा बन करके वो सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और सारी दुनिया का सुख संपत्ति खूब आराम से जिंदगी में भोगते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान की बताई हुई बातों को फॉलो किया, माना, इसलिए भोगते हैं। भगवान आता है तो राजयोग सिखाता है, राजयोग जो सीखेंगे सो राजा बनेंगे, नहीं सीखेंगे तो वो दैया छिनरिया में अपने लगे रहो, मस्ती मारते रहो थोड़े टाइम की। हमारे घर में फोटो है जिसमें शंकर जी ने आधा शरीर शंकर का ले रखा है, आधा पार्वती का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले माता का रूप धारण करके आते हैं, उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ का रूप धारण करके आते हैं, बहुत प्यार से वाणी चलाते हैं, उनकी वाणी इतनी मीठी होती है, इतनी प्यार भरी होती है कि एक भी सुनने वाला ये नहीं कह सकता है कि हम ब्रह्मा बाबा से हमको दुख मिला, कोई भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे माँ प्यार करती है ऐसा प्यार हो देते, तो माँ का पार्ट भगवान का पहले प्यार भरी वाणी सुनाने का, प्यार से पालना करने का, फिर उसके बाद माँ से वर्षा तो मिलता नहीं, क्या सुख शांति का वर्षा माँ से नहीं मिलता है, वो तो भगवान से ही मिलता है। और भगवान स्त्री के रूप में आता है या पुरुष रूप में? पुरुष रूप में आता है, तो वो फिर अगला जो पार्ट चलता है वो परमात्मा का पिता का पार्ट चलता है, वो पिता का पार्ट है शंकर का, तो शंकर के रूप में। अब इसने ये बात क्यों पूछी है, कल ये गुड़िया यूं कह रही थी, आंटी जी तुम्हारे घर में 6-7 दिन से सो रही लेकिन मुझे डर नहीं लगता, और मैं अपने घर में सोती हूँ खिड़की के पास तो मुझे डर लगता है, तो मैंने कहा हमारे पास जो है वो शंकर जी की तस्वीर टंग रही है ना सामने गेट पे, तो वो बुरी उसको रोक देते हैं, इसलिए इसने ये कहा, इस वजह से मैं समझा रही ना। कहाँ भूतों का घर, कहाँ भूतनाथ का घर, अंतर तो पड़ेगा। तो वो इसको पूछ रही है, इसने यहाँ ये शब्द पूछ ली, नहीं तो वो क्या ये कह रही थी गुड़िया, बोले आंटी जी मुझे अपने घर में डर लगता है, आपके तो नहीं लग रहा है, तो मैंने हमारे कैसे लगेगा, हमारे वो तस्वीर टंग रही है ना, बस वो वही रोक लेते हैं कि कोई नहीं है, अच्छी आत्मा जाओ बुरी तो कोई। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के पूरा मुकुट पहना दिखाते हैं, आगे से भी और पीछे से भी, विष्णु को और लक्ष्मी नारायण नारायण, ऐसा प्रश्न तब पूछो जब पहले एडवांस भट्टी कर लो, इतने लंबे चौड़े प्रश्न पूछने की दरकार नहीं, सब अपने आप जवाब मिल जाएगा अंदर अंदर, अभी आप बैठे हो तो आप जवाब दो ना, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो तो लंबा 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 के प्रश्न पूछे तो नहीं। तो वो तुम्हें पता ही नहीं, विष्णु कोई अलग से आदमी नहीं होता है, चार हाथ का कोई आदमी होता है क्या? पता है क्या पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी, वो भूत का अर्थ क्या है, भूतनाथ का अर्थ क्या है? नाथ माने तुम नाथ डाल दे, नाथ वाला
भूतों को कंट्रोल कर ले, जैसे बैल की नाक में नकेल डाल दी जाती है ना, नाथ डाल दी जाती है तो आए वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे ही जो भूतों को नाथ ले, कंट्रोल कर ले, असली भूत है काम करो जो लोग अहिकार, यानी पांच विकारों को जो कंट्रोल करता है पहले पहले, उसका नाम भूतनाथ शंकर रखता है। शिवजी का मंदिर है, उनके सामने बैल क्यों दिखाते हैं, उनको नंदीनाथ क्यों कहते हैं? नंदी इसलिए कहते हैं कि वो आनंद देता है। हम बताया ना, भगवान जब आते हैं तो माँ का पार्ट भी बजाते हैं, तो माँ के रूप से ज्यादा आनंद मिलता है या बाप के पार्ट से ज्यादा आनंद मिलता है बच्चों को? ज्यादा है माँ से मिलता है। माँ के रूप में जो आनंद मिलता है वो बाप से थोड़ा ही मिलता है। हाँ, जितना प्यार माँ देती है, जितना दुलार माँ देती है, जितना सहन शक्ति माँ के अंदर होती है, बाप थोड़ी दे सकता है। हाँ, छोटा बच्चा है, माँ तो उसको संभाल लेती है, और बाप की गोदी में जाए और वो पड़क धूम कर दे, है तो छोड़ के भागेगा पूरी तरह से, उसमें सहन शक्ति होगी क्या? एक बार करेगा, दो बार करेगा, भाग जाएगा, दूसरी शादी करो। तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला? मिला, ये समझ रही है हमारे घर में उल्टा ही है। अब इनके बाबा तो बहुत प्यार करते हैं, एक मैं तो बड़ी सख्त नजर से देख, इसीलिए। ठीक है, तुम भट्टी करके आओ, और बाबा की क्लास में भट्टी करने वालों को भी आइंदा बैठने देना। भट्टी कर रहे हो और रेगुलर क्लास भी कर रहे हो, रोज ना क्लास करते हो तो कम से कम 7 दिन में एक बार तो जाए। नहीं, अब तो जब से 1.5 महीना मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, वो भी तो 7 दिन में एक बार मस्जिद गुरजाघर गुरुद्वारे में जाते हैं ना। ठीक है, फिर अगली बार फिर मिलेंगे। और आपको अभी तक यही निश्चय नहीं हुआ है कि इस दुनिया में संपन्न कोई हुआ है अभी तक? तो ठीक नहीं हुआ एडवांस में आने के बाद? बाबा हम जून में आएंगे, हमको भट्टी ही मिलना है। हम जून में आएंगे, हमको भट्टी ही मिलना। भट्टी में अगर नहीं मिले तो यहाँ मिल जाए तो नहीं चलेगा? तो पहले ही मिल गए, भट्टी में मिलने की क्या दिक्कत है? आप तो बोला भट्टी में, भट्टी वाले ही आएंगे, यात्रा भट्टी मिलना पड़ेगा। हमारी तो किस्मत ऐसी, हमको तो मिले ही नहीं, हम तो रत्न चलते रह गए। मैं थी तो मैंने कहा हम मैं यही कहती हूँ, इसलिए एडवांस में बोल रही है। बच्ची करके आ जाओ, बाबा तो आते हैं। किस्मत वालों को आपको एडवांस में मिल गया बाबा, तो बच्ची के बाद ही मिल गया बाबा। क्या कितनी अच्छी है, लक हो, लकी हो तुम तो है। अब देखो भाई, आ गए इसके सहारे चले।